अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे हाउ कैन यू क्रिएट बॉर्डर्स ऑन एमएस एक्सेल वर्कशीट। हम कैसे एमएस एक्सेल वर्कशीट को बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे, तो क्यों हम बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे शागिर्दो, यहां पर आप देखिए कि जो एमएस एक्सेल वर्कशीट होता है, जो ग्रिड लाइंस वहाँ पर होते हैं, वो हार्ड कॉपी पर नहीं आते हैं। तो दो कॉपीज होते हैं, एक होते हैं हार्ड कॉपी, दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी हम प्रिंटर से लेते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी वो मॉनिटर पर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो प्रिंटर से हम लेते हैं, कागज़ पर जो टेक्स्ट प्रिंट होता है, प्रिंटर निकालता है पेपर पर जो टेक्स्ट, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। जब यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, फर्ज करो यहाँ पर एमएस एक्सेल वर्कशीट हमने क्रिएट किया है, ओपन किया है, तो यहाँ पर हमने डेटा लिखा है। फर्ज करो कि यहाँ पर डेटा है, तो इस डेटा को आपको क्या करना है, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। कोई भी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद जब आप डायरेक्ट प्रिंट देंगे तो विदाउट बॉर्डर्स वहां पर टेक्स्ट जैसे कि प्लेन पेज पर आएगा, कोई बॉर्डर वाटर नहीं आएगा, यानी कि कोई टेबल नहीं आएगा। तो जो टेक्स्ट यहां पर आपने लिखा है, सीरियल नंबर, नेम, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो प्लेन पेज पर आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं, तो बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप। एमएस एक्सेल में हम कैसे बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करो जिस एरिया को आपको बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं। एट फर्स्ट यू सेलेक्ट दैट एरिया, पहले उस एरिया को सेलेक्ट करो, क्या करना है, सेलेक्ट दैट एरिया। तो ये एरिया कहां से कहां तक आपका डेटा होगा, तो उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, दूसरा स्टेप है कि यू क्लिक ऑन, पहले सिलेक्ट करना उस एरिया को जहां पर आपका डेटा होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना, दूसरा स्टेप, यू क्लिक ऑन होम टैब पर आपको क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, तो ये अपना रिबन शो करेगा, यहां पर आप देखिए, तो यहां पर एक टूल टिप ऐसा होगा, तो इसका बटन होगा, इस बटन पर आपको क्लिक करना है, ये बॉर्डर्स होंगे, इसका नाम है बॉर्डर्स, टेबल एंड बॉर्डर्स। तो यहां पर जो ही आप यहां पर देखेंगे, चार खाने वाला बक्स यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस बटन पर, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर ये अपना बक्स शो करेगा, तो यहां पर एक जगह लिखा होगा ऑल बॉर्डर्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो ही आप ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे ऑल बॉर्डर्स कहां पर है, यहां पर आपको क्लिक करना है। तो जो जब ये स्टेप्स आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर उस एरिया पर बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे एमएस एक्सेल में। तो आज आपने एमएस एक्सेल में सीखा है कि बॉर्डर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जिस एरिया में आपका डेटा है, तो उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी पर आपको बॉर्डर्स मेंशन करना है विद डेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये स्टेप्स करना है। पहला स्टेप, सेलेक्ट दैट एरिया जहां पर आपका टेक्स्ट होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, यू क्लिक ऑन होम टैब पर क्लिक करने के बाद उसका रिबन शो हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको इस बटन पर आपको क्लिक करना है, ये आप देखेंगे उस रिबन पर होगा, ठीक है। उसके बाद जो ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये अपना डाउन ड्रॉप डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, यहाँ पर लिखा, एक जगह लिखा होगा ऑल बॉर्डर्स, तो ऑल बॉर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉर्डर्स आएंगे। जब आप प्रिंट देंगे तो हार्ड कॉपी पर एक तो टेक्स्ट आएगा, दूसरा तो उसके इर्द गिर्द बॉर्डर्स आएंगे, तो ये सेल्स सारे कुछ मेंशन हो जाएंगे हार्ड कॉपी पर, यानी कि पेपर पर। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, वो भी शॉर्टकट के जरिए आपको बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट दैट एरिया, पहले आपको क्या करना है, उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यू प्रेस प्रेस ऑल्ट की, ऑल्ट की क्या करना है, बटन्स देने के लिए शॉर्टकट की क्या है, पहले उस एरिया को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट की, तो ऑल्ट की प्रेस करने के बाद उसको रिलीज करो, क्या करना है उसके बाद उसको रिलीज करो, रिलीज इट, रिलीज इट, उसके बाद उसको रिलीज करो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है, देन यू प्रेस, देन यू प्रेस, किसको प्रेस करना है आप यहां पर आपको प्रेस करना है एच, यू प्रेस एच, किसको प्रेस करना है, एच को कीबोर्ड पर प्रेस करना है, तो जब आप एच को प्रेस करेंगे उसके बाद देन यू प्रेस, देन यू प्रेस बी, किसको प्रेस करना है, बी को प्रेस करना है, उसके बाद किसको प्रेस करना है, देन यू प्रेस ए, किसको प्रेस करना है, ए को प्रेस करना है, यानी कि शॉर्टकट की क्या है, यहां पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट की को प्रेस करना है, रिलीज करना है, रिलीज करने के बाद एच को प्रेस करो, एच को प्रेस करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, बी को प्रेस करो, उसके बाद ए को प्रेस करो, ऑटोमेटिकली ये है शॉर्टकट की फॉर बॉर्डर्स, शॉर्टकट की फॉर बॉर्डर्स, तो इससे पहले स्टेप्स में आपने देखें तो यह है शॉर्टकट की फॉर बॉर्डर्स, तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा है एमएस एक्सेल में हम कैसे बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं, एक तो हमने स्टेप्स के जरिए होम टैब के जरिए तो यहां पर आपने देखा है, दूसरा तो शॉर्टकट की, यहां पर अगर शॉर्टकट की आपको याद रखना है, ठीक है, सेलेक्ट दैट एरिया, उसके बाद यू प्रेस ऑल्ट देन रिलीज इट, ऑल्ट की को प्रेस कर उसके बाद छोड़ना है, उसके बाद देन यू प्रेस एच, उसके बाद एच को प्रेस करना है, उसके बाद देन यू प्रेस बी एंड देन यू प्रेस ए, तो ये था आज के क्लास में आपने सीखा है बॉर्डर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक ये है शॉर्टकट, शॉर्टकट फॉर क्रिएट बॉर्डर्स, तो ये है स्टेप्स फॉर बॉर्डर्स, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।